तुख्म बालेंगा जिसे आम जबान में तुख्म मलंगा भी कहा जाता है। सिर्फ शरबत और फालूदा बनाते वक्त ही हमें तुख्म मलंगा की याद आती है, लेकिन तारीख में इस बीज को बतौर करेंसी भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। अज़्तक सिपाही जंग से पहले इसे खाते थे क्योंकि ये तवानाई से भरपूर होता है। अब तुख्म मलंगा की फवायद भी जान लीजिए। जिल्द निखारने और बुढ़ापे को भगाने में ये खासा करामत है। मेक्सिको में तुख्म मलंगा पर तहकीक से मालूम हुआ कि इसमें कुदरती एंटीऑक्सीडेंट की मकदार दो गुना होती है और ये जिस्म में फ्री रेडिकल बनने के अमल को रोकता है। फाइबर की बुलंद मकदार की वजह से तुख्म मलंगा हाजमे के लिए इंतहाई मौजू है। अलसी और तुख्म मलंगा खून में इंसुलिन की मकदार को बरकरार रखते हैं और कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को भी लगाम देते हैं। इसका इस्तेमाल मेदे के लिए मुफीद बैक्टीरिया की मकदार बढ़ाता है। कल्ब को सेहतमंद रखने के लिए ये बहुत कारामद है। तुख्म मलंगा कोलेस्ट्रॉल घटाता है, ब्लड प्रेशर मामूल पर रखता है और दिल के लिए बहुत मुफीद है। इसका बाकायदा इस्तेमाल खून की शरियानों की तंगी रोकता और उन्हें लचकदार बनाता है। फैटी एसिड की वजह से ये दिल का एक अहम मुहाफिज बीज है। तुख्म मलंगा में अल्फा एलाइनोलिक एसिड और फाइबर की वजह से खून में चर्बी नहीं बनती और ना ही इंसुलिन से मुजाहमत पैदा होती है। ये दो अहम अशिया हैं जो आगे चलकर ज़ियाबीतस की वजह बनते हैं, इसलिए तुख्म मलंगा के बीज का बाकायदा इस्तेमाल ज़ियाबीतस को रोकने में नहायत मददगार साबित होता है। तवानाई बढ़ाने का एक मौसर जरिया जर्नल ऑफ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग में शाया एक रिपोर्ट के मुताबिक तुख्म मलंगा 1.5 घंटे तक तवानाई बढ़ाता है और वर्जिश करने वालों के लिए निहायत मुफीद है। ये जिस्म में इस्तेहाला मेटाबॉलिज्म तेज करके चिकनाई कम करता और मोटापे से भी बचाता है। एक औंस तुख्म मलंगा में रोजमर्रा जरूरत की 18% कैल्शियम पाई जाती है, जो हड्डियों के वजन और मजबूती के लिए बहुत जरूरी है।